हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर्ड एंड एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये चारों ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें ना, तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप बात करें या फिर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करो ना, तो उसमें इनके ऊपर क्वेश्चन आने के कोई चांसेस नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि मेन वहां पे क्वेश्चन आते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग या फिर थोड़ा बहुत बैच के ऊपर पूछ सकते हैं। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, क्योंकि प्लेलिस्ट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो जो छोटे मोटे पॉइंट एक दो बचे हुए हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और वैसे भी ना, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम या क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, ये अपने आप में काफ़ी वास्ट टेक्नोलॉजीज हैं, तो इनको एक वीडियो में एक्सप्लेन करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी छोटे मोटे पॉइंट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपका कहीं ना कहीं कोई पे भी आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं तो आप एटलीस्ट कुछ इसके बारे में लिख सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, रियल टाइम। तो देखो, हम दो तरीके से काम करते हैं, एक होता है हमारा बैच प्रोसेसिंग काइंड ऑफ, एक होता है रियल टाइम। मतलब नॉन रियल टाइम आप ले लो। नॉन रियल टाइम का मतलब क्या है कि मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को अभी कोई काम दिया, या मैंने लेट से सिस्टम को अपने कोई काम दिया, उसने मेरे को आउटपुट दी एक घंटे बाद, दो घंटे बाद, चार घंटे बाद। मतलब वहां पे कोई टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं है, मतलब मेरे को बस ये है कि आउटपुट मिल जाए जब मर्जी मिल जाए। लेकिन रियल टाइम का मतलब क्या है, तुरंत, इमीडिएटली। वहां पे टाइम जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे सिंपल से एग्जांपल की बात करें ना, यूट्यूब स्ट्रीमिंग ले लो, हम यूट्यूब यूज कर रहे हैं। अब देखो, इस वीडियो को मैंने बनाया, एडिट करके अपलोड कर दिया, अब आप उस वीडियो को कब देख रहे हो, उस वीडियो को हो सकता है आपने तुरंत देखा, हो सकता है कुछ एक महीने बाद देख रहे हैं, हो सकता है कुछ एक साल बाद, दो साल बाद देख रहे हैं। तो यहां पे कोई, मैं ऐसा नहीं चाहता कि तुरंत आप इस चीज को देखो, लेकिन अगर मैं YouTube पे लाइव होता हूं तो कहीं ना कहीं मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि जो मैं यहां से लाइव हो गया, उधर से आप लोग लाइव हो गए, तो जो मैं पॉइंट्स बताता जा रहा हूं आप लोग वो साथ के साथ सुनते जा रहे हो। तो यहां पे इसको बोलते हैं हम रियल टाइम एनवायरनमेंट। तो रियल टाइम में सिर्फ और सिर्फ टाइम का कंस्ट्रेंट है कि डिलेज नहीं हो सकते, टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो यहां पे भी फर्दर कैटेगरी आ जाती है, हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट। कुछ नहीं है, हार्ड में हम बोल देते हैं, नाम से पता लग रहा है हार्ड, मतलब टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा सख्त है, टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, मतलब डिलेज नहीं हो सकते। जैसे अगर हम बात करें मिसाइल सिस्टम की, तो मिसाइल सिस्टम में ऑब्वियसली डिलेज जो है वो वहां पे बियर नहीं कर सकते। फ्लाइट सिमुलेशन की बात करें तो वहां पे भी हम नहीं कर सकते बियर कोई भी डिले, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम मिसाइल सिस्टम का एग्जाम्पल ले लो ना, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल मिसाइल लॉन्च की, अब आपने उसको टाइम दे दिया कि 5 सेकंड बाद तूने हिट करना टारगेट को, वहां पे अगर डिले हो गया, कुछ ना कुछ एरर आ गया, बीच में कोई ना कोई और प्रोसेस चल पड़ा, जो भी हमने डिस्कस किया ना कि बीच में कुछ और प्रोसेस प्रीएम्प्ट कर गया, फिर दूसरा प्रोसेस चल गया, अरे इसमें तो क्या होगा, मिसाइल ने टारगेट कहीं और करना था हिट और कर गई कहीं और। तो यानी हम यहां पे कोई भी डिले नहीं जाते। सॉफ्ट में आप कह सकते हो कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, मतलब बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन आप इसको डिवाइड कर सकते हो। जैसे कंप्यूटर गेमिंग की बात करें, तो गेमिंग में ऑल्दो मैं चाहता हूं कि वहां पे ज्यादा मेरा डिले ना हो, लेकिन अगर थोड़ा बहुत डिले हो भी गया तो कोई क्रिटिकल सिचुएशन नहीं आएगी। यहां पे क्रिटिकल सिचुएशन आ सकती है, यहां पे क्रिटिकल सिचुएशन नहीं आएगी। YouTube की लाइव स्ट्रीमिंग, उसमें मैं अभी एक लाइन बोलूंगा ना, आपको वो लाइन 5 सेकंड 10 सेकंड बाद सुनती है, तो ठीक है, इतना बेयर हम कर सकते हैं, कोई क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है। तो दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देन आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड एंड क्लस्टर्ड। डिस्ट्रीब्यूटेड का नाम मतलब से, मतलब नाम से मेरे को मतलब पता लग रहा है कि यार डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जो मेरे सिस्टम्स है ना, ये एक्चुअल में ना ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, दिस इज एक्चुअली द एनवायरनमेंट। मतलब जो मैं अपनी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट मैंने बनाया ना, उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैंने ज्योग्राफिकली उनको डिस्पर्स कर दिया। मतलब मेरा एक मशीन यहां पे पड़ी है, दूसरी मशीन यहां पे पड़ी है, तीसरी यहां पे पड़ी है, चौथी कहीं और पड़ी है, पांचवी कहीं और पड़ी है, और उनको मैंने क्या किया, नेटवर्क के थ्रू क्या कर दिया, कनेक्ट करके रख दिया। तो गेटिंग द पॉइंट, मतलब यहां पे मेरे पास जो मशीन्स हैं वो लूजली कपल्ड एनवायरनमेंट में पड़ी हैं। लूजली कपल्ड मतलब इसका अपना कर्नल, इसका अपना मेमोरी, इसकी अपनी डिस्क, इसका अपना मेमोरी, अपनी डिस्क, हर एक का अपना अपना अलग अलग जो है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि सबका अपना अपना एनवायरनमेंट है, सबके अपने रिसोर्सेज है, और ये ज्योग्राफिकली क्या है, सेपरेटेड है, मतलब एक लोकेशन पे नहीं है, ज्योग्राफिकली ये क्या है, इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगर एक सिस्टम फेल होता है तो आप उसका काम जो है वो दूसरे सिस्टम के थ्रू करवा सकते हो। जैसे हम डेटाबेस में भी बात करें तो एक होता है सेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड मतलब एक ही जगह पे सारा डेटा रखना, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूट।
डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे फेसबुक गूगल ये लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं रादर देन कीपिंग ईच एंड एवरीथिंग ऑन अ सिंगल एरिया, उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑल ओवर द ज्योग्राफिकल रीजन। तो ये एडवांटेज हो जाती है मेरी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड की। और क्लस्टर जो है वो क्या है, वो भी काम यही कर रहा है कि मतलब मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स हैं, उनको मैंने वन क्लस्टर की तरह जो है वो यूज किया है। और यहाँ पे मेन फंडा क्या है कि दे आर कनेक्टेड थ्रू द लोकल नेटवर्क, मतलब उनको मैंने एक ही नेटवर्क में रख लिया, एक ही नेटवर्क में मैंने उनको कनेक्ट करके रख लिया। आप कह सकते हो लैन में मैंने मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया, एक सर्वर की तरह वो काम कर रहे हैं। तो आप इसको एक तरह से सुपर कंप्यूटर की तरह भी बोल सकते हो कि मल्टीपल डिवाइसेस को, तो कहीं ना कहीं आपकी कंप्यूटेशन पावर बढ़ गई, मतलब आप एक मशीन की तरह काम कर रहा है और एक मशीन में आपने 100 मशीन्स और ऐड कर दी, तो कहीं ना कहीं आपके पास कंप्यूटेशन पावर बढ़ गई, आपके पास यहाँ पे प्रोसेसिंग पावर आपकी बढ़ गई। तो ये इस एनवायरनमेंट को मैनेज करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं दैट इज योर क्लस्टर्ड, और डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट के लिए जो यूज करते हैं दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहां पे एडवांटेज अगर आपसे पूछ लें तो देखो मेन एडवांटेज है अवेलेबिलिटी, तो कहीं ना कहीं आपके पास अवेलेबिलिटी जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। फॉल्ट टॉलरेंस, अगर एक आधा सिस्टम फेल हो गया इनमें तो कहीं ना कहीं बाकी के सिस्टम बियर कर लेंगे उसका लोड, तो यानी लोड बैलेंसिंग यहाँ पे इजीली कर सकते हो। फॉल्ट टॉलरेंस होती है। स्केलेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर लेट्स से आज आपके पास कंप्यूटेशन पावर है एक्स और कल आप चाहते हो ट्वाइस ऑफ एक्स, तो आप इजीली कर सकते हो क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सिस्टम है, एक सिस्टम की बजाय आपने हजारों सिस्टम्स को कनेक्ट करके एक क्लस्टर जो है वो बना दिया। तो ये एक्चुअल में कहानी है क्लस्टर और डिस्ट्रीब्यूटेड की। फाइनली आ जाता है एम्बेडेड। एम्बेडेड एक्चुअल में अगेन ये भी क्या है, सिस्टम होते हैं। एम्बेडेड सिस्टम की अगर हम बात करें, एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं, जो एक फिक्स्ड फंक्शनैलिटी के ऊपर ही काम करते हैं, जैसे आपके माइक्रोवेव है, मशीन है, एसी है, ये सारे क्या हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स हैं। और इनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है, जो एक्चुअल में ये सारा का सारा मैनेज कर रहा है, दैट विल बी योर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आप चेंजेस कर नहीं सकते, जो इसकी फंक्शनैलिटी आपने दे दी बस उसी फंक्शनैलिटी के ऊपर काम करेगा। अगर आप वॉशिंग मशीन को बोलोगे कि भैया ये चीज खाना गर्म कर दे, तो वो खाना गर्म वहां पे नहीं करेगी, वो काम दूसरी मशीन का है, ये काम दूसरी मशीन का है। तो आप उसके कोड में, उसके मदरबोर्ड में फर्दर चेंजेस नहीं कर सकते, जो फिक्स हो गया वो फिक्स हो गया। लेकिन नॉर्मल कंप्यूटर में हम क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हम हार्डवायर्ड की बात करें या फिर माइक्रो प्रोग्राम्ड की बात करें, बेस्ड ऑन दैट हम कहीं ना कहीं अपने सिस्टम की पावर जो है, अपने सिस्टम की फंक्शनैलिटीज को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। दैट इज द एडवांटेज ऑफ नॉन एम्बेडेड सिस्टम। तो ये इन एनवायरमेंट्स में जो जो सिस्टम काम करता है, जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, आप उसके साथ इसको लगा दो। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इससे ज्यादा आपको कोई नहीं पूछेगा, ये मोर देन सफिशियंट है। अदरवाइज फिर आप इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ सकते हो अपने आप। जैसे क्लस्टर की बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो फिर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बट ऑपरेटिंग सिस्टम में सब्जेक्ट में आपसे इससे अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। थैंक यू।